पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय खाद्य निगम जिला कार्यालय विकास मंजिल मुरादाबाद पर कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री जे एस दुग्गल जी के आह्वान पर भारतीय खाद्य निगम के चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का सातवां वेतन निर्धारण में हो रही देरी पर प्रस्तावित आंदोलन का सापेक्ष संपूर्ण भारत वर्ष में वर्क टू रूल का कार्यक्रम चल रहा है, परन्तु FCI मैनेजमेंट ने कई कर्मचारियों के पक्ष की सुनवाई नहीं की है। तत्पश्चात मजदूर होकर देशव्यापी मुख्यालय स्तर, जोनल स्तर, क्षेत्रीय स्तर व जिला कार्यालय स्तर पर आज सभी कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहे। भारत सरकार एवं खाद्यान्न निगम प्रबंधन पक्ष के खिलाफ वेज रिवीजन जल्द लागू करने की मांग को लेकर समस्त मुरादाबाद जनपद के भारतीय खाद्यान्न निगम कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री सुहेल आजम यूसुफी की अध्यक्षता में विशाल भूख हड़ताल का प्रदर्शन किया गया। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हम लोग एम्प्लाई हैं। पिछले 6 माह से हम लड़ाई लड़ रहा है वेज रिवीजन को लेकर के। हमारा वेज रिवीजन की निगोशिएशन तो हुआ है, लेकिन निर्धारण तय नहीं किया, मैनेजमेंट नहीं चाहती, खाद्य सरकार हमारी मंत्रालय हमारा वेज रिवीजन हमें देना नहीं चाहता, जबकि हमारे ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो है सातवां वेतन आयोग दे दिया गया है और कैटेगरी 3 और 4 कर्मचारी जो निम्न स्तर का होता है उसको इससे 7th वेज रिवीजन से वंचित रखा गया है और अभी तक देने के लिए तैयार नहीं है। लगभग हमारा 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है वर्क टू रूल के रूप में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक FCI कर्मचारियों को हमेशा से जब से FCI बनी है दिवाली के अवसर पर बोनस के रूप में, एस ग्रेसिया के रूप में या PLI के रूप में हमेशा दिवाली त्यौहार बनाने के लिए अग्रिम धनराशि का वितरण किया जाता था, लेकिन ये ऐसा पहला साल है जिसमें हमारे यहाँ पूरे देश में दिवाली की रोशनी हो रही थी, लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर्मचारियों के घरों में अंधेरा छाया हुआ था दिवाली को लिए। बहुत दुख है और बहुत अफसोस है। इसी को लेकर के हमने मांगे की है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर हमारा धरना आज भूख हड़ताल धरना है जो देशव्यापी है, और ये कर्मचारी जब तक वेज रिवीजन की मांग हमारी पूरी नहीं होती है आगे भी धरना जारी रखेंगे। जैसे नेशनल कमेटी के दिशा निर्देश होंगे, हो सकता है कि पूर्णतः हड़ताल भी हमें करना पड़े।